जीवन में बार बार मिल रही असफलताओं के बाद अधिकतर लोग ये सोच लेते हैं कि उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। ये सोच इंसान की तंगहाली का सबसे बड़ा कारण बनती है। कई बार किस्मत हमें इसलिए भी आजमाती है क्योंकि वो हमें कोई बड़ा मौका देना चाहती है, लेकिन इस बड़े मौके से पहले किस्मत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हम इसके काबिल है भी या नहीं। कुछ इसी तरह किस्मत ने ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय को भी परखा। मोहन सिंह बार बार किस्मत के हाथों धोखा खाने के बाद माँ के दिए 25 रुपए लेकर शिमला पहुँचे थे और यही से शुरू हुआ उनका देश के सबसे बड़े होटल व्यवसायी बनने का सफर। आज पूरा देश मोहन सिंह ओबेरॉय को फादर ऑफ द होटल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 1898 में झेलम जिले के बाउन गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मोहन सिंह के पिता एक साधारण से ठेकेदार थे जो पेशावर में काम करते थे। यही उनकी अचानक मौत हो गई। जिस समय पिता का साया मोहन सिंह के सर से उठा, उस समय उनकी आयु मात्र 6 महीने थी। पिता के बाद मोहन के लिए सब कुछ उनकी माँ ही थी। उन्हीं के नाजुक कंधों पर अब मोहन की जिम्मेदारी टिकी थी। आज के समय में महिलाएं सशक्त है, लेकिन तब एक महिला के लिए काम करना और घर चलाना आसान नहीं था। जैसे तैसे मोहन सिंह के माँ ने उनका पालन पोषण किया। मोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के स्कूल में ही पूरी की थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी चले गए। यहाँ उन्हें एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई करते हुए ओबेरॉय ये सोचते थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे वो अपने जीवन में फैली गरीबी को खत्म करते हुए अपने माँ को सुख दे पाएंगे। उनका ये सोचना उन्हें तब गलत लगने लगा जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बहुत जगह भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। जब आपके जीवन में कुछ भी सही ना चल रहा हो, तब सलाह देने वालों की लंबी कतार लग जाती है और आपको ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना पड़ता है। मोहन सिंह को भी अपने एक मित्र से सलाह मिली। मित्र ने इन्हें टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। कुछ बेहतर होने की उम्मीद में बैठे मोहन सिंह ने भी मित्र की सलाह मानी और टाइपिंग सीखने अमृतसर चले गए। यहाँ उन्होंने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया, लेकिन ये बात उन्हें जल्द ही समझ आ गई थी कि टाइपिंग सीखने से भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली थी। दूसरा कारण ये भी था कि बाहर रहकर उनके पैसे खर्च हो रहे थे और इसकी उन्हें जीवन में बहुत कमी थी। उन्होंने सोचा कि गांव ही लौट जाते हैं, कम से कम बाहर रहने और खाने के पैसे तो बच जाएंगे। यही सोचकर वो वापस अपने गांव लौट गए। मोहन सिंह के मन में तो एक ही बात चल रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, जिससे वो अपने माँ के ऊपर से घर चलाने का बोझ कुछ हद तक कम कर पाए। यही कारण रहा कि पढ़े लिखे मोहन सिंह अपने चाचा के कहने पर जूतों की एक फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी करने लग गए। ये नौकरी मोहन सिंह के मन मुताबिक तो नहीं थी, मगर कम से कम कुछ पैसे तो आ रहे थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें यह भी धोखा दे दिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद जूतों की वो कंपनी बंद हो गई। निराश मोहन सिंह एक बार फिर खाली हाथ घर लौट गए। 1920 की बात है, जब मोहन सिंह गांव लौटे तो सबने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने मजाक में कहा था कि उस समय ना मेरे पास नौकरी थी, ना कोई जायदाद और ना ही अच्छे दोस्त। इसके बावजूद ना जाने मेरे ससुर जी ने मुझ में क्या देखा, शायद वो मेरे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो गए थे। जैसे भी हो, लेकिन 20 साल के मोहन सिंह की शादी कोलकाता के एक परिवार में हो गई। शादी के बाद उनका अधिकतर समय ससुराल में ही बीतने लगा। किस्मत तो पहले से ही मोहन सिंह को तंग कर रही थी और रही सही कसर प्लेग बीमारी ने पूरी कर दी। काफी समय ससुराल में बिताने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो पता चला कि गांव में प्लेग की बीमारी फैली हुई है। ऐसे में वो अपने माँ के पास रहना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया और उन्हें कहा कि वापस अपने ससुराल लौट जाए और वही कोई काम धंधा ढूंढे, क्योंकि यहाँ उन्हें भी इस बीमारी से खतरा था। हार मानकर मोहन सिंह को माँ की बात माननी ही पड़ी। घर से निकलते हुए माँ ने मोहन सिंह के हाथ में 25 रुपए थंबा दिए। तब मोहन सिंह को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनके अरबों के साम्राज्य की नींव उन्हीं 25 रुपए से रखी जाएगी। ससुराल में रहते हुए मोहन सिंह ने एक दिन अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। ये क्लर्क की नौकरी उनकी योग्यता के लायक थी। उन्होंने तय किया कि वो शिमला जाकर इस नौकरी के लिए परीक्षा देंगे। माँ के दिए हुए 25 रुपए अभी भी उनके पास थे। उन्हीं रुपयों के सहारे मोहन सिंह नई नौकरी की परीक्षा देने शिमला निकल गए। हालांकि परीक्षा के लिए उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों वो फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। शिमला उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी थी। यही कारण था कि यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और होटलों की कमी नहीं थी। मोहन परीक्षा तो पास ना कर पाए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें उस दरवाजे तक जरूर ले गई जहाँ से सफलता का रास्ता निकलता था।
मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक सिसिल होटल में पहुंचे। यहां वो रहने के इरादे से नहीं बल्कि काम की तलाश में गए थे। वैसे तो ये अंधेरे में निशाना लगाने जैसा था और ऊपर से मोहन सिंह की किस्मत जो उनके बने बनाए काम को बिगाड़ देती थी, लेकिन इस बार किस्मत इन पर मेहरबान हुई और होटल के अंग्रेज मैनेजर ने इन्हें नौकरी पर रख लिया। मोहन सिंह को 40 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी मिली। वो यहाँ टिक गए और इसके साथ साथ तरक्की भी करते रहे। क्लर्क के बाद उन्हें होटल का कैशियर बनाया गया। वेतन भी 50 रुपए हो गया और इन्हें होटल की तरफ से एक आवास भी मिल गया। आवास मिलने के बाद मोहन सिंह अपने पत्नी को भी शिमला ही ले आए। मोहन सिंह सिसिल होटल के कारोबार को बहुत अच्छे से समझ गए थे। ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क के गैर मौजूदगी में सिसिल होटल का कारोबार मोहन सिंह ने ही संभाला। इस दौरान होटल पहले के मुकाबले दुगनी रफ्तार से चलने लग गया था। ये सब इनकी परीक्षाएं थी। अब समय था परिणाम का। दरअसल सिसिल होटल एक ब्रिटिश धनपति का था। भारत को ब्रिटिश के चंगुल से आजाद होते देख इस धनपति ने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया। ऐसे में उन्होंने मोहन सिंह को ये होटल खरीदने का ऑफर दिया। इस होटल के लिए उन्होंने 25,000 रुपयों की मांग की, जो कि उन दिनों में काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। मोहन सिंह को ये प्रस्ताव भा गया, लेकिन आर्थिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं थे कि होटल की राशि देने में सक्षम हो पाते। इसके बावजूद उन्होंने होटल मालिक से कुछ समय मांगा। धन जमा करने के लिए मोहन सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए। बाकी के रकम के लिए उन्होंने समय मांगा और 5 साल के भीतर उन्होंने होटल की पूरी कीमत चुका दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को वो मोहन सिंह ओबरॉय शिमला के सिसिल होटल के मालिक बन गए, जो कभी माँ के दिए हुए 25 रुपए लेकर आए थे। अपने होटल को चलाने के लिए मोहन सिंह ने खूब मेहनत की। उनकी पत्नी का भी इसमें बड़ा योगदान रहा। होटल में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और मीट वो खुद खरीदने जाती थी। अपने इस योगदान द्वारा उन्होंने होटल में होने वाले खर्चों में 50% तक की कमी ला दी थी। इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। उन्होंने 1947 में ओबरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मर्क्यूरी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी। इसके बाद 1949 में ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड होटल कंपनी, दार्जिलिंग समेत कई पर्याप्त स्थलों में होटल, 1966 में बॉम्बे में 36 मंजिला होटल आदि की शुरुआत की। 25,000 में होटल खरीदने वाले मोहन सिंह ने मुंबई में 18 करोड़ की लगत से होटल खड़ा किया था। ये सफर तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक छोटे से गांव से आया वो युवक, जिसे किस्मत ने ना जाने कितने बार छला था, वो धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया। मोहन सिंह ओबेरॉय को सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने जीवन में तमाम संघर्षों के बाद अपार सफलता अर्जित की। साल 2002 में 3 मई के दिन फादर ऑफ होटल इंडस्ट्रीज ने अंतिम सांस ली, मगर अपने खड़े किए होटल एम्पायर से वो अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओबरॉय होटल्स के फाउंडर मोहन सिंह ओबरॉय की। आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।